अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। एक तरह की साजिश है ये, क्योंकि जो गरीब तबका है जिनके पास ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जैसे लैपटॉप चाहिए, टैब चाहिए या स्मार्टफोन चाहिए, उस तरह की सुविधाएं हर बच्चे के पास अवेलेबल नहीं है। तो आखिर ये फिर जो सरकार का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई होगी, उसके अगर ये इंस्ट्रूमेंट है तो उसके साथ इंटरनेट की व्यवस्था होनी चाहिए, वो भी एक एक्स्ट्रा खर्च है। और ऐसे दौर में जब सारा कामकाज पूरी तरह से ठप है, तब इंटरनेट का खर्च, स्मार्टफोन या टैब या दूसरे इंस्ट्रूमेंट जो हैं जो पढ़ाई के लिए, आपको कितना वाजिब लग रहा है कि यह क्या संभव है क्या कि जिन बच्चों के घर में खाने का इंतजाम नहीं है, स्मार्टफोन, टैब या मोबाइल कैसे खरीदेंगे? मैंने आपको पहले ही बता दिया ये असंभव है और ये षड्यंत्र है। मैं षड्यंत्र इसलिए कहता हूँ कि मैंने बार बार चिट्ठी में यही लिखा है कि लोग भूखे मर रहे हैं। शासन कह रहा है कि हम आपको मुफ्त में राशन देंगे, राशन नहीं मुफ्त में मिल रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी है, जो रोड पे झाड़ू मारता है, उनका भी बच्चा म्यूनसिपालिटी स्कूल में नहीं पढ़ता है। यानी कि जिसके पास हाथों को कुछ काम ही नहीं है, ऐसा ही बच्चा म्यूनसिपालिटी में आता है। तब मुझे बताइए, जो बेरोजगार हो चुके हैं लोग, उनके बच्चे किस प्रकार से आपका इंटरनेट लेंगे, कैसे स्मार्टफोन लेंगे? हाँ, फोन सबके पास है, सब बोलते हैं। कभी कभी तो मैं मंत्रियों का मैं स्टेटमेंट सुनता हूं तो मुझे ताज्जुब लगता है, अरे आपके पास मोबाइल यूज़ करने के लिए पैसा है, आपको बिजली का बिल भरने के लिए पैसा नहीं है। तो मुझे बताइए, आज तो ऐसे बिजली का भी तो बहुत बड़ा संकट है, झोपड़पट्टियों में सबके घर में बिजली नहीं है। तो मुझे बताइए, वो बच्चे कैसे इस एंड्रॉयड फ़ोन को खरीदेंगे, कैसे उसको चलाएंगे? तो ऑनलाइन ये कतई मतलब पॉसिबल नहीं है। मैं पॉसिबल नहीं ऐसा नहीं कहूँगा, जो स्मार्ट स्कूलें हैं वहाँ पॉसिबल है, लेकिन जो यहाँ खैराती स्कूलें हैं वहाँ पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी ये लागू हो नहीं सकता है। मैं यही चाहता हूँ, अगर आप सेफ डिस्टेंस, मैं आपको सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कहूँगा, सेफ, हम सुरक्षित डिस्टेंस रखेंगे, सुरक्षित अंतर रखेंगे। यहाँ तो सामाजिक अंतर बनाने का पूरा कोशिश हो रहा है, तो हम सुरक्षित अंतर बना के अगर बच्चों को सप्ताह में एक बार भी अगर बुलाते हैं और उनको मिड डे मील के माध्यम से मिलने वाला जो उनका अनाज है वो सप्ताह में अगर एक बार देते हैं तो वो पेट से भी संतुष्ट रहेगा और बुद्धि से भी संतुष्ट रहेगा। जिससे हम देख रहे हैं कि ये जो भारत की युवा पीढ़ी है, जो भविष्य है, ये उज्ज्वल होगा।